जो है जितना गोल्ड पहन कर चलते हैं, क्या आपके जान का कोई खतरा नहीं होता? देखिए, खतरा की बात तो ऊपर वाला जाने, हनुमान जी हमारे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनको गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनको गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बिहार के एक ऐसे युवा जिनको गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इनके सबसे पहले परिचित से मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। और सबसे पहले मुद्दा रहेगा कुछ और मुद्दे पे, लेकिन बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना थोड़ा परिचय बताएं। मैं वीर बाकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से, भोजपुर जिला से हूँ। बिहिया थाना वासुदेवपुर ग्राम हुआ मेरा, प्रेम सिंह नाम हुआ, गोल्ड मैन ऑफ बिहार के लोग नाम से जानते हैं। तो गोल्ड मैन ऑफ बिहार मतलब बिहार के गोल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाले ये शख्स वीर कुंवर सिंह से कम नहीं। एक पर्व आने वाला है जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, छठ। उस छठ मुद्दे पर लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे। सर, ये जो छठ पर्व आने वाला है, तो छठ पर्व को लेकर के क्या रहेगा? जैसे कि गोल्ड आप पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्ड की रेटिंग कुछ कम होगी या फिर बढ़ेगी? ये महापर्व है हमारे आस्था का, ये हमारे सबसे बड़ा पर्व है। माँ छठ माँ की कृपा रहेगी तो ये बढ़ेगा, और सारे बिहार के लोगों से ये निवेदन है, माता बहने भाई बंधु मित्र जितने हैं, कि ये आस्था का पर्व है और शांति से खुश दिल से स्वस्थ होकर मनाइए और खुश रहिए। आज सबसे प्रेम करिए, आज सबको प्रेम बांटिए और प्रेम लीजिए। सर, आप जो है जितना गोल्ड पहन कर चलते हैं, क्या आपके जान का कोई खतरा नहीं होता? देखिए, खतरा की बात तो ऊपर वाला जाने, हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, वो तो प्रभु हैं। और हमारे जो सरकार है, नीतीश जी का सरकार, तेजस्वी जी का सरकार, ये इन पे भरोसा है हमको। यहाँ हमारे एसएसपी हैं मंजीत सिंह ढिल्लो जी, हमारे थाना के थाना प्रभारी है रामा शंकर बाबू, जो हमारे बात को बहुत केयर करते हैं, हम पे ध्यान रखते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिस ऐसे हमारे इतना बिहार में प्यार मिलता है, हमारे भाई बंधु रहते हैं, हमारे परम मित्र प्रेम यादव जी हैं जो मनेर से जिला पार्षद हैं, सब लोग हम पे बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए डर नहीं लगता है। सर, जो कहीं जब भी आप कहीं पे खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है, लाइनें लग जाती है, चूंकि सेल्फी लेने के लिए। तो सर, ये आपका जो ब्रांड है गोल्ड मैन का, ये मतलब कब से ये आपके साथ लगना शुरू हो गया? ऐसे तो सोना तो बहुत दिन से पहनते हैं, लेकिन जब मेरे दिल में आया कि हम बिहार का गोल्ड मैन बने, बिहार में इतना सुंदर सुंदर काम हुआ, इतना अच्छा सड़के, लोग, बिजली हर गांव में, रोड, शिक्षा, अब देखिए म्यूजियम बना, मरीन ड्राइव बना, बापू सभागार, जब हमारे बिहार में बहुत सुंदर सुंदर चीज है, तो एक सुंदर गोल्ड मैन भी होना चाहिए। जो बाहर के लोग आए तो पूछे कि बिहार में क्या है, तो गोल्ड मैन भी है। तो ये मन में आया, ये अच्छा बात है, अच्छा काम करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई रोक नहीं होना चाहिए, इसलिए मन में आया। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई अपने बॉडी पे स्टैचू बना करके, पूरे बदन पे स्टैचू बनवा करके वो गिनीज वर्ल्ड का बुक रिकॉर्ड बनाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे सामने एक बिहार के ऐसे प्रभावशाली एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनको गोल्ड मैन के नाम से जाना जा रहा है। तो सबसे पहले कि सर, क्या लग रहा है कि कहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कुछ चांसेस है क्या आपको? ये तो हमारे बिहार का, देश का, जनता जनता जो चाहती है वही करती है। जब वो आपको मानती है कि गोल्ड मैन जो बिहार है तो है, नहीं मानती है तो नहीं है। तो इतना बिहार के लोगों ने प्यार दिया, बाहर भी जाते हैं तो प्यार मिलता है, तो ये तो साफ जनता पे है।
आज जनता जब मान चुकी है तो है। सर ये गोल्ड पहनकर चलते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? गोल्ड मैन उपहार है इसलिए गोल्ड पहनते हैं, यही मुख्य कारण है, और कोई विशेष बात नहीं है। गोल्ड मैन उपहार है तो गोल्ड तो पहनना पड़ेगा, तभी है गोल्ड मैन उपहार, इसीलिए गोल्ड पहनते हैं। सर अगर कोई कोई सेवा करते होंगे, जैसे कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो सोने के लिए तड़पते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि और काफी दर्शकों को पता है कि सोने की कीमत बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सोना जो है सब कोई नहीं पहन सकता है, तो सर इतने सारे सोने का आभूषण पहन करके चलते हैं तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से कि सोने के रेट को लेकर के कि अभी जो सोने का भाव जो चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या गरीब भी मतलब सोना के आभूषण पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? हाँ क्यों नहीं, जब जितना जिसका जो जो मुताबिक जिसका कमाई होता है वो करता है। रह गया बात कि आप गरीब असहाय लोग जितने रहते हैं, हमारे नजर में जितने मिलते हैं, जितने दिखते हैं, हमारे बगली पॉकेट में जो भी रहता है हम मदद कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हम फिर आगे चल के पान खाएंगे कि नहीं, कुछ भूख लगा तो कुछ खाएंगे कि नहीं, लेकिन हम जितना हमसे होता मदद करते हैं। तो एक सर लास्ट बात है कि इंस्पायर किनसे हुए से और वीर कुंवर सिंह की तरह, जैसे आपको मुझ के जो ताव देता है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी की तरह आपका मतलब जो दिखने में लगता है, तो क्या लगता है कि किसी से इंस्पायर हुए हैं आप या फिर इसका कुछ राज है? वो ब्रीड ही ऐसा है, जब ब्रीड ही ऐसा है तो ये किसी से क्या देख के करना चाहिए। जब हम वीर बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं तो ब्रीडे वही है, तो जो उनसे पैदा लेगा तो जब ब्रीडे वही है तो इसमें बनाने वाली कोई बात नहीं है, किसी का देख के करने वाली बात नहीं है। बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं हम लोग, तो मोज तो ऐसा रहेगा, स्वाभाविक है। सर जिस समय सोनू सूद हमारे बिहार आए हुए थे तो बिहार काफी चर्चे में रहता है, तो उस समय आप गए हुए थे और काफी दर्शकों की भीड़ आप पे भी लगी हुई थी, इसलिए कि बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे थे, कहीं ना कहीं उस भीड़ में मैं भी था, तो क्या लग रहा था उस समय कि एक मौका जो है जिस प्रकार से आपको कहा जाए तो भागलपुर के आदर्श आनंद को नहीं मिला, क्या उसी प्रकार से आपको भी नहीं मिला, तो क्या मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए एक बिहार के ऐसे जैसे गोल्ड मैन को, फिर एक कहा जाए तो नाट्य कर्म करने वाले एक आदर्श आनंद को इस मुद्दा पे? उसका अफसोस नहीं करना चाहिए किसी को, अरे जो जिस लायक रहेगा मिलेगा ही, अरे एक आदमी को नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है, जो है वही रहेगा। अपना संस्कार अपना वजूद रखिए, कितना आएगा मुश्किल कितना सामना आएगा उस सब पार करते हुए अपने को धैर्य बना के अजीश लायक रहिएगा, आपको जगह मिलेगा। इसमें कौन नहीं दिया इस पे हमको कुछ बात नहीं करना सर। तो और मुद्दा है मेरा, बहुत बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्या उस इलाके में कहीं ऐसा है कि आगे चल करके आपको कुछ जैसे स्कूल विद्यालय कोई कॉलेजेस या कुछ बनाने का ऐसे, या गरीबों के जिस प्रकार से गोल्ड मैन के नाम से जाने जा रहे हैं तो कुछ गरीबों के बीचों बीच में कुछ करने का ऐसे आशा है आपको? हनुमान जी हमको पैसा दे, बढ़ोतरी करे हर काम में, ईमानदारी की कमाई करे, नेचर तो है ही हम मदद करना, मदद करते रहते हैं, हमारे पास अभी जितना ही है 500 रुपया है, लगता है कि दे देना चाहिए तो दे देते हैं, तो भगवान जब देंगे तो मदद तो करेंगे, क्योंकि दिल में ही है, मन में है, आत्मा में है कि हमसे जितना हो हम मदद करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो जब दिल में है तो रहेगा तो जरूर मदद करेंगे। मदद तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए कि एक तरीका होता है करने का, तो कहीं ना कहीं एक लीडर बनने के बाद बहुत सारे जनता का सेवा करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं क्या उस इरादा ऐसा नहीं है क्या कि कभी आप लीडरशिप में जाए, ऐसा कुछ चुनावी मुद्दा ऐसा कुछ अभी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि हम नेता बने। आदमी कहीं रह के कि मदद कर सकता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है, जब मदद करना है तो इसमें कुछ बनने की क्या जरूरत है। गोल्ड मैन है ही, सारा बिहार जानता ही है हमको, मदद ऐसे ही करते रहते हैं, इसमें कि किसी का नेता बन के गोल्ड मैन बन के ये सब नहीं है। जब मदद करना है तो आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा,
अच्छा नेता, अच्छा गोल्डमैन नहीं, अच्छा इंसान बनिएगा तो आप स्वाभाविक है कि सबको मदद करिएगा, आपसे जितना होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मदद किसी भी एंगल से किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए क्यों, दिखाइएगा। आप मान लीजिए यहाँ दिखाइएगा, भगवान को ऊपर क्या दिखाइएगा। इसलिए दिल में रहना चाहिए कि मदद करिए लोगों को, जितना आपसे हो मदद करिए। सर अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जैसे कि बिहार में भोजपुरी को लेकर ये काफी अश्लीलता पे अभी बीच में पिछले कुछ दिन पहले ही विवाद छिड़ा हुआ था। तो क्या ऐसे, जैसे कि आप भी एक समाज के सेवक हैं और कहीं ना कहीं मतलब 10-20 नहीं 50,000 लोगों में जाने जाने वाले एक व्यक्ति हैं आप, तो क्या लगता है कि अश्लीलता पे कुछ जो ये भी मुद्दा उठाया जाता है, इस मुद्दा पे आवाज उठनी चाहिए या फिर अश्लीलता मुक्त बिहार होना चाहिए कि नहीं? एकदम गलत को तो हस्तक्षेप करना चाहिए, सवाल उठना चाहिए। जब गलत करे, कोई भी गलत करे, हम करे या जो हमारे भोजपुरी के लोग गायक हैं वो लोग करे, चाहे जो भी करे, गलत तो गलत होता है, इस पे तो हस्तक्षेप होना चाहिए या गलत नहीं करना चाहिए। जब समाज को आगे बढ़ाना है तो आप गलत करिएगा तो हमारे सब बच्चे, बाल बच्चे सब यही देख के वही करेंगे कि देख रहे हैं कि हमारे पापा यही कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हमारे समाज यही कर रहा है तो यही करेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसको अच्छा करिएगा तो आपका परिवार, संस्कार, देश, बिहार, जिला, गांव सब अच्छा करेगा आपके देखते है, देखते है। इसलिए अच्छा करना चाहिए और उस पर जो गलत कर रहा है उस पर तो विरोध होना चाहिए कि यह गलत ना हो। भोजपुरी एक पाक साफ भाषा है, इस एक से एक वीर पैदा लिए बिहार, हमारे बिहार में भोजपुर जिला या कर्पूरी ठाकुर जी भोजपुरी के थे, वो क्या नाम है भिखारी ठाकुर जी, ये लोग कितने नाम कमा के गए और उस नाम को ये सब चंद रुपयों के लिए सब डुबा रहा है। तो गलत तो है, इसमें कोई शक नहीं है, अश्लीलता को बहुत गलत कर रहा है सब। भोजपुरी जो भाषा है ये काफी मिठास भाषा है, जिस प्रकार से हमारे देश के मातृभाषा एक हिंदी है, उसी प्रकार से बिहार के कहा जाए तो मदर टंग जो है वो भोजपुरी है, और भोजपुरी में अश्लीलता को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं उचित नहीं, घातक है, घातक है। आप तो हम बता चुके हैं कि ये बिहार का भोजपुरी एक मैंने मुख्य, जैसे हमारे बिहार में नेता हुए जैसे सारा लोग जानता था, पूरा देश जानता था, लालू जी गरीबों के मसीहा थे, अभी नीतीश जी हैं कितना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही बिहार में भोजपुरी का एक बहुत बड़ा महत्व है, अब बिहार में नहीं पूरा देश में, तो लोग उसको गिरा रहे हैं तो ये तो गलत कर रहे हैं, और उसका परिणाम जनता दे देगा, लोग दे देंगे, गाली सुनता है सब फिर भी नहीं मानता है, अपने TRP बढ़ाने के लिए, कुछ रुपया कमाने के लिए ऐसे ऐसे गंदा गाना का प्रयोग करता है, गाली सुनता है लोग। तो बताइए ऐसा रुपया किस काम का कि रुपया आए माँ बहन का गाली सुने, फिर भी लोग नहीं सुनता है तो ये गलत करता है, लेकिन बिहार जनता समझा देगा, जनता समझ रही है। तो ये थे हमारे साथ में गोल्डमैन, और बिहार में गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।